आप पूरी रात लंबे समय के लिए खाली पेट रहते हैं और जब सुबह में आपको एक अच्छा नाश्ता मिल जाता है तो ये आपको बॉडी को चार्ज भी करता है और पूरे दिन एनर्जी के साथ काम करते हैं। लेकिन बच्चों की बात करो तो बच्चों को जो है ना रोटी नहीं पसंद पड़ता है, और मॉर्निंग में अगर उन्हें पूरी पराठा पिज्ज़ा ब्रेड ये सब मिल जाए तो वो लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पिज्ज़ा ब्रेड नहीं बना रही हूँ, बच्चों से पूछ रही हूँ कि मतलब क्या खाओगे, तो बच्चों की पसंद हुई कि छोले और आलू वाली एकदम ढाबे स्टाइल सब्जी और गर्मा गर्म दुस्का। तो दुस्का मैं कई तरह से दिखा चुकी हूँ, मूँग दाल की, उड़द दाल की। तो आज का जो है ना दुस्का बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है, जिसे आप होली में भी आसानी से बना सकते हैं। और होली में दुस्का लोग खासकर झारखंड में बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर उड़द दाल है मेरे पास एक कटोरी है मूंग दाल, और दो कटोरी में चावल को मतलब 4 घंटे पहले पानी में भिगा दी थी। देखिए ये अच्छी तरह से फूल गए हैं, और फूलने के बाद इसे क्या करें कि 5-6 पानी से फिर से धो लें, और धोने के बाद एक फाइन हम बैटर इसका तैयार कर लेंगे। ये जो दुस्का है ना ये झारखंड में बहुत शौक से लोग खाते हैं। अगर नॉनवेज के शौकीन हैं तो नॉनवेज के साथ खाइए। आलू चना की सब्जी भी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके पहले मैं सिर्फ मूंग दाल की दुस्का की रेसिपी शेयर की थी, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ गए थे कि इसमें आलू चना का सब्जी रहता तो बहुत अच्छा रहता। और अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, और इसको अच्छी तरह से हम पीस करके और रख देंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो इसे आधा घंटा 1 घंटा के लिए छोड़ दीजिए, तो ये बैटर और भी मतलब सॉफ्ट हो जाता है, और जब आप बनाएंगे ना इसका दुस्का तो और भी फ्लफी बनेगा। तो अगर टाइम नहीं है तो कोई नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा फेंटने में समय निकाले, जितना फेंटेंगे ना उतना ही अच्छा आपका दुस्का तैयार होगा। तो चलिए इसको एक कोना में हम रख देते हैं, और अब छोले की सब्जी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए ये छोला है, और इसको मैं डाल दूंगी कुकर में, और बच्चों की फरमाश हुई कि आलू डाल करके बनाइए, तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की आलू को भी मैं 20 से काट लूँगी, जिसमें बहुत जल्दी बॉयल हो जाए। और इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, और देखिए ये बड़ा आलू है तो 20 से मैं 2 कट लगा दे रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और इसे पकने तक हम सीटी लगा लेंगे, और फटाफट से ये सब्जी बनती है, और ऐसा खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और एक बच्चे को ना छोले में भटूरे खाना है, और मतलब एक पर्सन को रोटी खाना है, और 2 पर्सन को यहाँ पर ये दुस्का खाना है। तो चलिए सब की फरमाइश पे हम 3 तरह से जल्दी जल्दी बना लेते हैं यह सुबह का नाश्ता। तो यहाँ पर देखिए छोले बॉयल हो गए हैं, साथ साथ आलू भी, और इसको हम कढ़ाई में ही बना लेंगे। बहुत तरीके से मैं छोले की भी रेसिपी दिखा चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि बस छोले को हम मसाले में ही गलाएं, बहुत तरह से आप इसकी रेसिपी बना सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना वो हड़बड़ का होता है, तो बहुत ईजी तरीके से ये बन जाता है। बस ये बॉयल हो जाएंगे ना तो जो मेहनत है आपको बस मसाले तैयार करने में है। तो यहाँ पर देखिए हम डाल देंगे कढ़ाई में सरसों का तेल। सरसों का तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा जीरा और देसी मिर्च डाल देंगे, और यहाँ पर 2 बड़ा प्याज कटे हुए डाल देंगे। मैं बेसिक मसाले पीस करके रखती हूँ, जिसमें मुझे खाना बनाने में बहुत आसानी होता है। और टमाटर वगैरह मैं अपनी जो रेसिपी होता है ना बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, और बहुत लोगों को तो बिना टमाटर का खाना बनता ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम मेंशन भी कर रहे हैं जितने भी मसाले हैं। अदरक लहसुन काली मिर्च का जो है पेस्ट है ना मैं तैयार करके रखती हूँ, तो 2 बड़े चम्मच डाल दूँगी। साथ में देगी मिर्च है, तीखी वाली लाल मिर्च है, हल्दी है, और स्वाद के अनुसार नमक है डाल दे। अगर चाहे तो आप टमाटर इसमें डालना चाहे तो डालें, लेकिन मेरे यहाँ लोग टमाटर डाला हुआ कोई भी मतलब सब्जी कम खाते हैं, तो मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पर चलिए बॉयल किए हुए जो छोले हैं डाल देंगे, और साथ में आलू को भी बस हाथ से तोड़ करके डाल देना है। और क्योंकि ये मतलब अच्छी तरह से गल गए हैं तो अब मुझे टाइम नहीं लगेगा बनाने में, तो चलिए अब आलू को इस तरह से हाथ से तोड़ करके डाल देना है। तो एकदम ढाबा स्टाइल तैयार होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए सारे छोले को डाल करके अच्छी तरह से इसको मसाले के साथ अभी भूनना है, क्योंकि मसाले अभी कच्चे हैं। तो अब इसको ढाक ढाक करके आप भून लें, और ऐसे भी फ्राई भी खाएंगे ना तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो देखिए दुस्का की भी रेसिपी मैं बहुत तरीके से शेयर कर चुकी हूँ, और मूंग दाल का दुस्का थोड़ा हेल्दी होता है, और बच्चों को सुबह में हेल्दी नाश्ता ही दें, और लंच बॉक्स के लिए भी आइडिया बहुत अच्छा है। ट्रेवल के लिए जा रहे हैं तो आप बहुत मतलब 3 से 4 दिन तक ये स्टोर करके रख भी सकते हैं।
तो चलिए अब एक बॉयल आ गया है, इसमें हम गरम पानी डाल दिए जब मसाले भून गए थे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से स्वाद बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसमें अभी काफ़ी पानी है क्योंकि थोड़ा सा इसे मतलब मसाले के साथ मुझे इसका ग्रेवी को भी पकाना है। तो चलिए फिर से ढाक ढाक करके इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा हम गाढ़ा कर लेंगे। जब तक वो पक रहे हैं तो ये बैटर में अब हम मसाले डाल देते हैं। मसाले में हल्दी है, हींग है, अजवाइन मंगरेल है और स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मतलब फेंटें, और जितना फेंटेंगे ना उतना ही फ्लफी बनेगा। तो चलिए ये सारे मसाले भी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो यहाँ पर चलिए नमक भी डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार। और एक तो मैं बनाई थी मूंग वाला, तो उसमें सारा मसाला जिसमें धनिया पत्ता है, अदरक है, वो सब भी डाल सकते हैं, तो उसकी भी रेसिपी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से आप लोग विजिट कर लीजिएगा। और साथ में क्योंकि भटूरा भी बना रही हूँ तो ये अचारी सलाद भी मतलब ज़रूर बनाइए, बहुत स्वादिष्ट लगता है, जिसमें प्याज है और खीरा है और इसमें अचार के मसाले हैं, हरी मिर्च है, धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं और ये भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए ग्रेवी एकदम गाढ़ा हो गया है, तो इसमें हम भर के कसूरी मेथी थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे और ये ना एकदम ढाबा स्टाइल बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, भटूरे के साथ खाइए। तो चलिए यहाँ पर सब्जी हो गया है, तो इस सब्जी को एक बर्तन में निकाल देती हूँ और साथ में फटाफट से बना लेती हूँ डुसका। और अब एक कढ़ाई में हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल और जब तेल गरम हो जाए तो एक एक करके हम सारा डुसका को छान लेंगे। देख ले आप कितना बड़ा साइज में बनाना चाहते हैं। और ये देखिए अगर मैं बैटर को छोड़ देती एक घंटा तो और भी ये सॉफ्ट बनते, लेकिन मॉर्निंग में मुझे लंच भी पैक करने हैं, बच्चों को नाश्ता भी देना है, तो एक एक साथ मैं 3 से 4 मैं डाल दूंगी। और ये देखिए कितना आसानी से ये फुल फुल के एकदम बन गए हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। खासकर झारखंड का ये ना है बहुत प्रसिद्ध नाश्ता है, लोग बहुत चाव से खाते हैं। अगर नॉनवेज के शौकीन है तो मटन चिकन के भी साथ खाते हैं, अगर नॉनवेज का नहीं तो आलू चना के साथ खाते हैं। और अब तो होली में मतलब हर घरों में ये मतलब रेसिपी है और वहाँ की ट्रेडिशनल रेसिपी मानी जाती है। तो मैं भी झारखंड से हूँ तो मेरे यहाँ भी मतलब बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पर चलिए एक एक करके हम जितना भी डुसका है ना तो निकाल लेते हैं। बहुत तरीके से आप बना सकते हैं, उड़द दाल से भी बनता है, मूंग दाल से भी बनता है और ख़ासकर ये चना दाल से बनते हैं। तो मैं हर तरह का मैं बार बार बोलना चाहूँगी कि डुसका की रेसिपी दिखा चुकी हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये डुसका हो गया है, तो एक एक करके हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और चलिए एक एक करके जितना भी डुसका है ना मैं छान लेती हूँ और इसी कढ़ाई में फिर भटूरा भी छान लूँगी और कुछ मुझे रोटी भी बनाना है। तो देखिए ये बहुत अच्छा फ्लफी फ्लफी बन रहा है, बहुत फूले फूले बनते हैं। थोड़ा सा उड़द डाल देने से क्या होता है ना कि और भी मतलब क्रिस्पी बनते हैं, और ऐसे तो ये चना दाल में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, और झारखंड का प्रसिद्ध छिलका रोटी की भी रेसिपी मैंने शेयर की थी, तो जिसमें आप लोगों का भर भर के प्यार मिला है। और चलिए यहाँ पर सारा डुसका मैं छान छान के निकाल लेती हूँ और अब प्लेट लगाती हूँ, और प्लेट में और क्या क्या होने वाला है तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। और देखिए ये अंदर से कितना सॉफ्ट बना है, और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही स्वादिष्ट ये छोले आलू के साथ बनकर के तैयार है। बहुत ही हड़बड़ में अगर आप हैं ना तो आप इसी तरह से बनाइए, बहुत जल्दी बनेगा और बहुत स्वादिष्ट बनेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं प्लेट लगा देती हूँ और यहाँ पर लगा रही हूँ गर्मा गर्म डुसका। और सुबह का नाश्ता है तो थोड़ा सा मीठा भी आप ज़रूर अपनी थाली में लगाएं, और साथ में निकाल दूँगी यहाँ पर देखिए ये गरम गरम मैं निकालते भी जा रही हूँ। और मुझे मतलब एक तरफ तावा भी चढ़ा हुआ है तो रोटी भी बनाने हैं, और यहाँ पर देखिए ये आलू और चना की सब्जी भी लगा देती हूँ। तो एक कमेंट्स झारखंड से ही ज़्यादातर कमेंट्स आता है कि आप चना की सब्जी मिसिंग कर दी, तो चलिए छोले वाली सब्जी है। तो जिन्होंने कमेंट्स किया मैं नाम भूल जाती हूँ, तो अपना नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और साथ में यहाँ पर आलू चना की सब्जी भी लगा देती हूँ। और यहाँ पर जो अचारी सलाद है ना तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा मतलब अचार वाला भी फ्लेवर आ जाता है, अलग से अचार भी सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में यहाँ पर मैं पेड़ा भी लगा रही हूँ, तो ये पेड़ा मेरे भाई वहाँ से झारखंड से भेजे हैं, बहुत ही टेस्टी है और मतलब इसका स्वाद इतना अच्छा लग रहा है ना कि मेरे यहाँ सब लोगों को बहुत पसंद है झारखंड का ये पेड़ा। तो चलिए यहाँ पर मेरा सुबह का नाश्ता बनकर के तैयार है, साथ में यहाँ पे भटूरा भी बना हुआ है, बगल में मैं रोटी भी चढ़ाई हुई हूँ और बेटे के लिए लंच भी पैक हो रहा है। तो कैसा लगा आज मॉर्निंग का नाश्ता, तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, आपका एक कमेंट्स मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। और अपने किचन में सिंपल सा जो थाली है ना मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। और चलिए यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी भी बन करके तैयार है,
तो अब मैं सबको खिला भी देती हूँ, और क्योंकि दिन की लंच थाली में मुझे तैयार करना है, बेटे को मॉर्निंग में ऑफिस भी रहता है तो उसके लिए भी गर्मा गर्म दूध का। और आज चटनी मिसिंग हो गया है, मैं चटनी नहीं बना पाई क्योंकि सुबह से देखिए इतना सारा वर्क भी हो जाता है, और यहाँ पर फटाफट से मैं दे भी रही हूँ सबको। तो मिस्टर वर्मा पूड़ी पराठा नहीं खाते हैं आप लोगों को जैसा कि पता है, तो यहाँ पर उनके लिए रोटी बना दी हूँ। बच्चे यहाँ अपना खाना इंजॉय कर रहे हैं और साथ में एक एक पेड़ा भी सबके प्लेट में दे रही हूँ। थाली में जो लगाती हूँ बस आप लोगों के लिए इतना सारा खाना दिखाती हूँ, लेकिन देखिए इस तरह से लोग खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मिलती हूँ।